बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेनास को बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जैसे हमने स्टडी कर लिया था हमारे पासनेल्स लॉ था, उसको स्टडी कर लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको स्टडी कर लिया था, ठीक है। एंड जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे उनको बहुत डिटेल में स्टडी कर लेता है। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है, ठीक है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट बाउंड्री, इवन दो मच ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। जब भी लाइट किसी भी सरफेस को हिट करती है तो उनमें से, देखिए, लाइट का कुछ पोर्शन जो होता है उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है, उस सरफेस से पास हो जाता है, एंड बहुत सारा पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी उस सरफेस से टकरा के वापस आता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट है उस लाइट रे का, एक लाइट जो है वो बहुत सारी रेज से बनी होती है, ठीक है। सपोज एक का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा है कि वो टोटली लाइट जो है वो क्या होती है, वो पास हो जाती है उस मीडियम में से। कुछ का एंगल ऐसा होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ग्लास टू एयर, अच्छा, व्हेन अ लाइट ऑरिजिनेट्स इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ग्लास टू एयर, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सपोज जब एक लाइट एक ग्लास से एयर में जाने की कोशिश करती है तो क्या होता है, यानी जब वो मूव करती है फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू अ लाइटर मीडियम, तो बहुत सारी लाइट क्या होती है दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, यानी डेंसर मीडियम के अंदर एबिलिटी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवा दे। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा। ट्रांसमिटेंस का फिनोमेना क्या होगा, बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए। As the angle of incidence increases, the angle of refraction increases, ठीक है, eventually reaching a maximum of 90 degree. जून जो आप angle of incidence को, देखिए ये रहा angle of incidence, जून जो आप इसको increase करते चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो angle of refraction है वो भी increase करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि that angle of incidence is directly proportional to angle of refraction, ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जो जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड ऑटोमेटिकली गो ऑन इंक्रीजिंग। एक टाइम आएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है तो हमारे पास क्या होता है, एट दिस स्टेज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे लाइज अलोंग द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होके मीडियम के पार नहीं गुजर जाती, बल्कि क्या करती है, उस सरफेस की बाउंड्री के साथ साथ ट्रेवल करने लगती है। लेट मी क्रिएट दिस बाउंड्री, दिस इज अ सॉरी, इट शुड बी 90 डिग्री, राइट, इट शुड बी 90 डिग्री टू द सरफेस। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 डिग्री होता है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि लाइट यू, देखिए, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, ठीक है, तो उस मीडियम की बाउंड्री के साथ साथ ट्रैवल करने लग जाती है ये लाइट, रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन उसका रिफ्रैक्शन यानी उसकी बेंडिंग क्या होगी, अलोंग द सरफेस, ठीक है, अलोंग द बाउंड्री। This angle of incidence is termed as critical angle. अब ये जो 90 degree वाला angle of incidence है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको critical angle कहते हैं और इसको theta c से indicate करते हैं। Remember this point. This is the critical angle. आपसे जब भी question आए कि what is critical angle, तो आपको पता होना चाहिए it is the angle of incidence, ठीक है। असल में क्या है, angle of incidence है जिस जो के क्या होता है 90 degree होता है to the surface of the medium, ठीक है, and at this angle the light gets refracted along the boundary of the two media. दोनों media के क्या होती है, boundary के साथ साथ ये light फिर travel करना शुरू हो जाती है, okay. Beyond this point, जब आप 90 degree से angle को increase करते हो, ठीक है, इस point से आगे, यानी critical angle से आगे, there is no refraction at all.
जब आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो जाए, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। अब क्या होगा, ऑल द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री बैक इन टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा कि अगर आपका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो कोई भी लाइट क्या होगी, वो पास नहीं करेगी थ्रू दैट मीडियम, बल्कि क्या करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम। ओरिजिनल मीडियम के अंदर क्या आ जाएगी, वो लाइट वापस से आ जाएगी टकरा के, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इन्होंने कहानी कहां से स्टार्ट की, कि जब आप लाइट को फॉल करवाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उस सरफेस के अंदर से बहुत सारी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है और बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के फिनोमेना होते चले जाएंगे। फिर इन्होंने आपको यह समझाया है कि दैट के जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, ये दोनों ही दोनों डिपेंड करते हैं अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते 90 डिग्री पर ले जाएं तो रिफ्रैक्शन तो होगी, लेकिन क्या होगी, वो इस तरीके से होगी कि वो अलोंग द सरफेस ऑफ द मीडियम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ही आप इसको और इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को, फिर हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब जब इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा कि तब जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होना बंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि शुरू से लेकर चल आ रहा था, अब वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और क्या होगा कि सारी की सारी लाइट इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लेनी है, जो कि मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का फिनोमेना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री पे ले आते हो, तो फिर क्या होगा कि रिफ्रैक्शन जो होगी वो अलोंग द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया होगा। ये सेकंड पॉइंट आप समझ लें। थर्ड पॉइंट आप ये समझ लें कि जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो क्या होगा कि तमाम की तमाम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री। थर्ड, फोर्थ चीज आप ये याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कि दैट ये जो लाइट थी वो किसके अंदर से ट्रेवल कर रही थी, ये लाइट एक डेंसर मीडियम से एक लाइटर मीडियम की तरफ जा रही थी, ठीक है, डेंस मीडियम से लाइट मीडियम की तरफ जा रही थी। सपोज ग्लास से गुजर के ये एयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तब ये 90 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल बनेगा और 90 डिग्री से ज्यादा पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। अब देखिए कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयर आर टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर, जस्ट लेट मी सी। अच्छा, ए बी सी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, लाइट को जब आप इंसिडेंट करते हो ग्लास से, उसने जब एयर की तरफ जाना है, तो बहुत सारी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 90 डिग्री होगा अलोंग द नॉर्मल, तो क्या होगा कि दैट ये वाली जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो अलोंग द मीडियम, अलोंग द टू मीडियम, ये वाला एयर वाला मीडियम और ये ग्लास वाला मीडियम, इनकी बाउंड्री पे ट्रेवल करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब जब आपने क्रिटिकल एंगल से एंगल को इंक्रीज कर दिया, इससे ज्यादा कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगी, सारी की सारी लाइट रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, एक भी रिफ्रैक्ट आपको होती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली मोर डेंस मीडियम इनटू एन ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम, कि लाइट को हमेशा कहां से कहां ट्रैवल करना है, एक डेंसर मीडियम से एक लाइटर मीडियम की तरफ ट्रैवल करना है, यानी किसी मोटे मीडियम से, सपोज ग्लास से वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द एयर, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल एसोसिएटेड विद द मटेरियल, हर मटेरियल का, ग्लास का अपना क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है, किसी और मटेरियल का अपना क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहाँ पर क्या है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल. ओके, नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल. टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल ऑफ एनी बाउंड्री यू कैन यूज स्नेल्स लॉ. ठीक है, जिसमें आप थीटा वन को थीटा सी से कर सकते हैं, थीटा टू को 90 से कर सकते हैं. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन वन जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर मीडियम का, उसके साथ हम साइन थीटा सी लिख देंगे, इज इक्वल टू एन टू साइन 90 डिग्री. ओके, अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर जब आपने सी थीटा सी निकालना होगा तो आप बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे. देखिए साइन 90 क्या होता है, वन होता है, तो एन टू यहीं पर रहेगा. तो यहाँ पर क्या बच गया, देखिए दिस इज इक्वल टू वन, तो एन टू माइनस सॉरी एन टू मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू एन टू. तो साइन देखिए यहाँ पर इक्वेशन ये बन जाएगी. ठीक है, साइन थीटा सी यहीं पे रहेगा और एन वन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एन टू डिवाइडेड बाय एन वन इज इक्वल टू साइन थीटा सी. इस तरह अगर आपने थीटा सी लेना है तो दोनों तरफ एंटी साइन लेना पड़ेगा. ओके, थीटा सी इज इक्वल टू दिस वन शुड बी योर इक्वेशन टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल.